आज आपका फोन का दौर था, उसके बारे में बताएं। आज और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का जो हमारे लोगों के बीच में है, कितने उत्साहित है लोग, जिस तरीके से उन्होंने हमारे स्वागत अभिनंदन किया उसके लिए हम उनकी बहुत बहुत आभारी है। लोगों ने बड़ा वक्त भी दिया और बड़े ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का भरसक प्रयास करेंगे। पिछली बार की परिस्थिति कुछ और थी, अब कुछ हालात कुछ और हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी अवश्य जनता उसको जिताकर विधानसभा तक पहुंचाकर सरकार में भागीदार होने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। मैम, आप खुद एक महिला हैं, विधानसभा में क्या महिलाओं की सीट रिजर्व करने के लिए आप कुछ प्रयास करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि जो सशक्त महिलाएँ हैं और जो सीट को जीत सकती हैं टिकट दिलाने का और सभी मिलकर प्रयास करेंगे ताकि वो भी विधानसभा पहुँचे और हमारी महिलाओं को भी मौका मिले। मुझे तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा भारी प्रभाव हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः दो ही पार्टियाँ या बीजेपी या कांग्रेस आपस में ये लड़ाई होती थी। इस बार आम आदमी ने इस बात को सोचकर कि हम पंजाब को हमने खींचा है तो वो हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने दस्तक देने का प्रयास किया, पर लोगों ने जब ये देखा कि कांग्रेस की क्या हालात है, कैसे कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी का कोई ज़्यादा प्रभाव हिमाचल प्रदेश। मैम, आप पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है, किस बात को लेकर लोग ज़्यादा परेशान हैं सरकार से? लोग बेरोजगारी से भी बहुत दुखी हैं, ओपीएस का एक मुद्दा है जो हमारे रिटायर्ड लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों का है। लोग चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टो में भी ये विषय रखा जाए और जब सरकार बनेगी तो आप इसको प्राथमिक तौर पर इसका समाधान करके हमको दें। दूसरे चाहे हमारे आशा वर्कर हैं और भी लोगों की बहुत सी मांगे हैं जो 5 साल सरकार ने नहीं सुनी, वो उन मांगों के ऊपर भी हम ध्यान देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार बनने के बाद उन सब समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। जी के बाद ये पहला चुनाव है जो उनके पहला चुनाव है, कितनी बड़ी चुनौती है? ये तो है कि उनके बिना एक बहुत कमी लोग महसूस करते हैं और लोगों को लगता है कि हम चुनाव के मैदान में, पहले हमारे पास वीरभद्र सिंह की जैसी शख्सियत थी तो हर चुनाव क्षेत्र में जाकर वो कांग्रेस को मजबूत करते थे, कांग्रेस को जिता कर लाते थे, उनकी कमी तो खलल रही है, पर फिर भी हम प्रयास करते हैं कि उनके कामों को, उनके विकास के कार्यों को लोगों के बीच में रखें ताकि लोग फिर एहसास करें कि आज जो भी हमारे अगर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो ये उन्हीं की देन है। आज हमारे पास घर घर में बिजली पानी है, ये भी उन्हीं की देन है और जो अन्य विकास के कार्य हुए हैं ये भी उन्होंने किया है, तो लोग जानते हैं और लोग फिर से इस चुनावों में उन मुद्दों को ध्यान में रखते ही वोट डाले। मैडम, ईडी के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए अगर गलत कुछ नहीं किया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने, तो फिर सिर्फ जांच के लिए बुलाया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, फिर ये प्रदर्शन पूरे देश भर में क्यों? ऐसा है कि अगर हमारे को हमारे लीडर के ऊपर ऐसा ईडी लगाकर, इनकम टैक्स लगाकर, सीबीआई लगाकर उनको दुखी पीड़ित किया जा रहा है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने लीडर के साथ खड़े रहें, मनोबल ऊंचा हो और वो ऐसा ना समझे कि हम अकेले हैं, इसलिए सारी पार्टी ने पूरे देश में इकट्ठे होकर अपने समर्थन में वो लोग इकट्ठे हुए हैं और ठीक है ईडी जांच कर रही है, पर जिस तरीके का व्यवहार सरकार कर रही है वो बहुत ही गलत, बहुत ही गलत।